EK7F6120 ओके हैंडल बार लेफ्ट। इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये चीज जो है ये एल्यूमिनियम का नहीं है, ये लोहे का है दोस्तों। देख सकते हैं ये काफी लूज है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों मैंने मेरी लास्ट वीडियो में पल्सर 150 में 180-220 की क्लच असेंबली को इंस्टॉल किया था, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को इस बॉक्स को दिखाया था। ओके तो आज इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और साथ ही इसका प्राइस क्या है, इसकी पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन और ये कौन सा पार्ट है। ओके और इस पार्ट को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, और ये पार्ट अपनी बाइक में इंस्टॉल होगा या नहीं होगा और होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीजें आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पल्सर 150 में पल्सर 180 की असेंबली का जो इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसमें मैंने आपको ये स्पेयर दिखाया था, यामा का स्पेयर आप देख सकते हैं। इसलिए स्पेयर ने ये क्लिप हैंडल बार है यामा R15 वर्जन 3 का, आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर BK7F6121000। ओके ये देख सकते हैं हैंडल बार लेफ्ट साइड है ना, वहीं इसका पार्ट नंबर भी देख सकते हैं आप BK7F6122000। ओके हैंडल बार राइट। और इसका MRP मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों, इसकी MRP 523 और 523, तो टोटल मिला के हो जाता है आपका 1046। ओके बट ये मेरे को बहुत सस्ता मिला है दोस्तों, ये मेरे को मिला है 960 रुपये के आसपास का। ओके तो इसमें भी मुझे लगभग 80 रुपये का बेनिफिट, मुझे लगभग 80 रुपये का बेनिफिट इसमें मिला है। और इसे मैंने परचेज किया अपने एरिया के नज़दीकी शॉप से। तो दोस्तों देख सकते हो ये है हमारे सर्विस भैया, तो मैं आपको इनका विजिटिंग कार्ड भी अभी शो कर देता हूँ। ओके तो ये है दोस्तों इनका विजिटिंग कार्ड, इस विजिटिंग कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आ सकते हो और अपना सारा सामान ले सकते हो। मैंने इस हैंडल बार को भैया से ऑर्डर पे मंगवाया है और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को यामा R15 वर्जन 3 का हैंडल बार लाके दो, तो उन्होंने मेरे से थोड़ा सा टाइम लिया और मुझे लाके भी दिया। लगभग 3 दिन के टाइम में इन्होंने मेरे को मेरा ये प्रोडक्ट मुझे लाके दिया। तो इसके अलावा भी आपने अब तक मेरी वीडियो में जितने भी पार्ट्स देखे हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट्स देखे हैं, लाइक इंजन ऑयल, लाइक क्लच असेंबली और पिछली वीडियो की जो क्लच असेंबली है, या किसी भी तरह की जो भी पार्ट मैं खरीदता हूँ वो मैं इन्हीं के यहीं से खरीदता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब डाल दूंगा। ओके एक्चुअली क्या है दोस्तों, इनके जो प्राइस होते हैं ना बहुत रीजनेबल प्राइस होते हैं, मतलब अगर आप कि ये कहीं और से खरीदोगे, कोई भी स्पेयर पार्ट आप कहीं से खरीदोगे तो वो आपको MRP पे ही देगा, ओरिजिनल हो या लोकल हो। लोकल की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ओरिजिनल आप लेने जाओगे तो वो आपको MRP पे ही देगा। बट अपने जो सर्विस दिया है वो MRP पे भी आपको MRP से भी डाउन में देंगे। आपने देखा मैंने आपको इंजन ऑयल के बारे में बताया था, उस पर 915 रुपये का MRP 915 था, बट उन्होंने मुझे 680 रुपये में दिया था और 1607 रुपये की असेंबली थी, जो उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ 1370 रुपये का दिया था। ओके और 405 रुपये का मोटुल का ऑयल था, मिनरल वाला, जो इन्होंने मुझे 270 रुपये में दिया था। तो इतना डिफरेंसेस मुझे इनकी शॉप से मिला है दोस्तों। तो अगर आप भी चाहो कुछ खरीदना, कुछ परचेज करना, तो आप इस एरिया में रहते हो, मेरे इस एरिया में रहते हो, तो आप यहां से खरीद सकते हो। मैं कोई भी आइटम आपको चाहिए अगर यदि वो अगर इनके पास में वो अवेलेबल नहीं है तो ये ऑर्डर पर भी आपका वो सामान मंगवा देंगे। ओके बाकी टर्म एंड कंडीशंस वो आप उनसे डील कर लोगे कि किस तरीके से वो मंगा के देंगे और कैसे मंगा के देंगे। ओके एक चीज और दोस्तों, आपको जो भी पार्ट चाहिए होगा उसकी पूरी डिटेल आप इनको दोगे। ओके तो इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है और वो बड़ी इजीली आपको मिल जाता है। ओके तो ये देख सकते हो एग्जांपल सामने है, ये इनकी शॉप पे था नहीं, इन्होंने मेरे को ऑर्डर पे 3 दिन में मंगा के दिया और उस ऑर्डर पे मंगाने के बावजूद भी ये 1046 का ना होकर 960 रुपीज का उन्होंने मुझे दिया, तो इस पर भी मुझे बेनिफिट है। ओके अदरवाइज मैं किसी सर्विस सेंटर से खरीदता या कहीं से भी खरीदता या ऑनलाइन भी खरीदता तो मुझे ये एमआरपी
पे करना ही पड़ता है और इसके अलावा कोरियर चार्ज अलग से देना पड़ता है। दोस्तों ज्यादा तो नहीं मुझे पता इसके बारे में, लेकिन इस पे जो डिटेल दी हुई है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, BK7F612100 ओके, हैंडल बार लेफ्ट, MRP इसका 523 रुपए है, ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, और इसकी पैकेजिंग की जो डेट है वो 10/6/2022 की है, कंट्री ओरिजिन इन इंडिया, और इस पे इसकी सारी डिटेल दी हुई है, और आप चाहें तो इस बार कोड को भी अपने बार कोड रीडर से रीड कर सकते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी दी गई है दोस्तों। ओके, इसका MRP मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, सब कुछ दिखा दिया, तो चलिए अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये रहा अपना ब्लेड, ओके, और इसको कर लेते हैं अपन अनबॉक्स इस तरफ से, ये ऐसे, और इसको इस तरह, चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, इसका काट लिया इसको हमने, और ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह की पैकिंग मिला है दोस्तों मुझे। ओके, और ये तो दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये चीज़ जो है ये एलुमिनियम का नहीं है, ये लोहे का है दोस्तों, और ये भी पूरा लोहे का ही है। ओके, और अपनी जो पल्सर है, पल्सर 180 की 150 की जो टू पीस हैंडल होती है, टू पीस हैंडल बार होता है, वो उसका इतना हिस्सा एलुमिनियम का होता है ये वाला। ओके, लेकिन बट इसमें ऐसा नहीं है, ये आयरन का है, तो ये टूटने का डर हमको नहीं है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ ये एलुमिनियम है या आयरन है। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसमें चिपक गया दोस्तों, ये देखिए ओके, ये देखिए देख सकते हैं, तो इससे हमें पता लगता है ये भी लोहे का है, ये भी लोहे का है, ये सारा मटेरियल इसका लोहे का है। ओके, अब निकाल लेते हैं अपन ये दूसरा वाला, इसको रखते हैं साइड में, और ये निकाल लेते हैं अपन ये दूसरा वाला। तो देख सकते हैं पैकिंग बड़ी अच्छी की हुई है इन्होंने, कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग है, ये देखिए। तो ये इतना प्रिंटेड नहीं है क्योंकि इस पर अपना वो एक्सेलरेशन का पॉइंट आएगा, और इसलिए इसको कवर करके दिया हुआ, और ये पूरा प्रिंटेड है, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से अपना हैंडल बार का लुक आएगा। ओके, इसको रखते हैं साइड में, कुछ इस तरीके से अपना हैंडल लुक आएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, मैं ये ले तो आया हूँ खरीद करके, लेकिन मैं इसे भी अपने रिस्क पे लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता कि अपनी पल्सर 180 का जो सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन है, जो शॉकअप है, शॉक अब्जॉर्बर है, उसका साइज इतना है या नहीं है, आप क्योंकि मुझे ये देखने में बड़ा लगा। पल्सर 150 के फ्रंट शॉकअप का जो साइज होता है वो इसे उसके पाइप पतले होते हैं। ओके, और पल्सर 180 के थोड़े मोटे होते हैं, तो ये चीज़ देखते हुए मैंने इसको खरीदा है। इसकी जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है। ओके दोस्तों, मैं इसको रिस्क पे लेके आया हूँ, मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि अपने पल्सर 180 के शॉकअप में लगेंगे या नहीं लगेंगे। इसमें एक बोल्ट अपनी तरफ से लगा रखा है और इसमें लगा के रख दिया था। ओके, इसको लगे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 8 नंबर का एक बोल्ट है और इसके साइज का ये देख सकते हो दोस्तों। ओके, इधर से पेंच वाला और इधर से नट के हिसाब का, तो ये अपने को काम आएगा टी प्लेट के ऊपर। ओके, तो फिलहाल इसको नाप लेते हैं और देखते हैं, ये रहा मेरा पल्सर 180 का एक शॉकअप जो मैं ले आया हूँ खोल के। ओके, तो अब देखते हैं इसको इस तरह से नाप के आप, ये देखिए दोस्तों, ये तो देख सकते हैं ये काफ़ी लूज है। वन सेक, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ। ओके, ये देखिए ये लूज है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। ओके, ये इतना लूज है, तो अब हमें इसको टाइट कैसे करना है, मतलब इसको फिट कैसे करना है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, इस पार्ट के इंस्टॉलेशन की पूरी वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।